So welcome back to my new vlog with my rude husband. जय बाबा। So कैसे हैं मम्मी जी आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है दो दिन बाद मुझसे मिलके? बताओ ना। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया एकदम। वैसे भी इन्हें क्या कैसा लगेगा, क्योंकि अगर जिनकी वाइफ मतलब जाती हो अपने घर और फिर वो मिल ना पाते हो, दूर रहते हो, तब तो उन्हें अच्छा लगे भी। ये तो आए दिन चक्कर काटते ही रहते हैं, तो फिर इनको क्या लगेगा। जब जिम जाते हैं तब भी मैं दिख जाती हूँ इन्हें गली में, जिम से आते हैं तब निकल जाती हूँ, है कि नहीं? सही पकड़ा। तो आज मुझे बहुत सारी अपनी इंस्टा की रील्स वगैरह बनानी थी और कुछ काम भी था हमें, तो इसलिए हम बाहर आए थे। और अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री, वहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है जैकेट्स वगैरह की, और उसके पीछे पार्क भी है, तो वहाँ पे मुझे अपनी प्रमोशन वीडियोस भी बनानी है, कुछ रील्स इंस्टा की। और फिर मैंने कहा चलो आज जैकेट ले लेते हैं हम सेम, अगर वहाँ मेरे को पसंद आती है तो अब हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे लिए कुछ नहीं मिलेगा तो इनके लिए मिल ही जाएगा, तो फिर मैं इनके लिए देख लूँगी बस। बाकी अभी हम जाम में खड़े हैं और फिर हम पहुंचने वाले हैं वैसे तो मोनेस्ट्री। गुनू और पुनीत भी यहीं हैं, कि वो हमें छोड़ के पहले भग गए थे और मैं कुछ काम कर रही थी तो मैं लेट आई हूँ। यार वो टैटू पूरा करवाने कब चलोगे? हिमांशु ने कह भी दिया आ जाओ, फिर भी ना टैटू वाले भैया हमारे लिए बैठ रहेंगे। तो गाइस चलो अब हम मार्केट पहुँचते हैं, फिर वहीं पहुँच के आपको दिखाऊंगी मैं सब कुछ। और हाँ गाइस, मैं एक बात कहना चाहती थी कि आज से मतलब अभी तक मैंने जब से YouTube चैनल स्टार्ट करा है, मेरे ब्लॉग पे कभी भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए। हाँ मेरी कमियाँ या थोड़ी जो मेरे ब्लॉग में गलतियाँ होती हैं या फिर कुछ अगर बात आपको बुरी लगती है ऐसे ही आते थे, आज तक नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए थे। बट अब पता नहीं लोगों को क्या हो गया कि बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि पम्मी आपसे फेड अप हो गए हैं, आप हो गई हो उनसे परेशान। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना वो मुझसे परेशान हुआ ना मैं उनसे परेशान हुई, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? और मोस्टली कमेंट ये आते हैं कि अब आप इनसे मतलब ऐसे अलग अलग रहती हो। यार पहले हमारा रिलेशनशिप था, हमारी शादी हो गई, अब हमें फैमिलीज भी देखनी पड़ती है। हाँ जी, अब क्या ही कहूँ यार, छोड़ो। यार ज्यादातर कमेंट ये आते हैं कि आप मेरे से परेशान हो गए, उसका मतलब आप लोगों को बोलते हो गए ना। मैं अच्छा मैं सबके घर जा जाकर कह रहा हूँ, सही तो कह रहे हो आप। फिर लोग क्यों बोल रहे हैं कि आप मेरे से फेड अप हो गए हो? वो लोगों की अब अपनी अपनी थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं। वो स्टार्टिंग वाले जो आपने ब्लॉग्स देखे वो हमारी न्यू मैरिड थी, तो हाँ हम एक साथ ही अब चिपके थोड़े रहेंगे हमेशा, कि अब जब ये कहते हैं लव मैरिज है आप ऐसे क्यों रहते हो, तो क्या करूँ अब मैं? अरे हम शुरू से ऐसे रहे, मैं मतलब यूँ कहते हैं कि मैं चिपकी थोड़ी रहूंगी आपसे। हम जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना जब भी ऐसे रहे। हाँ हम बहुत फ्रेंडली रहते हैं मतलब, ठीक है ऐसे। हाँ जी यही, तो बाकी चलो हम मार्केट पहुंचने वाले हैं फिर दिखाऊंगी। मम्मी जी को कोई पार्क नहीं मिला, ये मोनेस्ट्री मार्केट उस साइड है, ये मोनेस्ट्री का बैक है, तो हम यहाँ बैक में ये थोड़ी पार्किंग टाइप है और यहीं पे हम वीडियोस बना लेंगे और फिर हम यहीं से शॉपिंग कर लेंगे और फिर घर चले जाएंगे, है ना जी? सही। परेशान हो रहे हो ना मेरे से? परेशान हो रहा हूँ, पूरे दिन गाड़ी चला रही है। नहीं मेरे से तो आप ऐसे परेशान हो गए हो ना। हट जाना सामने से, कितना रश है यार। ऐसी कह रही है बाइक राइडर की बॉयज वाली, मेरे को अच्छी लगती है। बाइक कैसी लग रही है? मुझे अच्छी लग रही है, पर इन्हें नहीं सही लग रही है, बता दो अब जल्दी। ऐसे लग रही है जैसे कपड़े की है। कलर सही लग रहा है? कलर और भी है इनके पास इतने सारे। गाइस पम्मी ने ये शर्ट लिया, गुन्नू ने ये स्वेटर लिया और ये लोग मार्केट में घुस गए। मेरे को तो साइज की वजह से कुछ मिलता नहीं है और यहीं से पहन के जा रहे हैं। हट जा गुन्नू सामने से। और कोई नहीं, तो मेरे साइज का तो कुछ मिलता नहीं है तो यही मौज लेते रहते हैं। मैंने वो वापस रखवा दिया, हुडी लेंगी। अरे वो ठीक तो लग रहा है स्वेटर, हुडी लेनी है। अच्छा लग रहा है वो, अब ये ड्रामे कर रही है। तो उसके साथ हुडी भी दिलाएगी? नहीं एक चीज मिलेगी कुछ भी, तो इसीलिए हुडी ले। हाँ तुम मेरे पीछे मत पड़ जाओ सारे। इनके पास होगा ना जो तुझे लेना है हुडी, पूछ लेना एक बारी। क्या कर रहे हो तुम लोग? सही लग रही है ना? गाइस इन लोगों ने मेरा फोन पे वाला फोन ले लिया और अभी लगे पड़े धनाधन सारे। एक एक चीज ही मिलेगी तीनों को। अच्छी लग रही है वो पेरिस? क्या पेरिस? वो जो दिखा रहे हैं येलो कलर की। अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो, मोनेस्ट्री में
पीछे हो ना आ नहीं रहा। तो ये पापा के लिए देख रही हूँ मैं, पर मुझे अच्छी लग रही है इसके ऊपर ही दिखा इधर। हाँ अच्छी लग रही है, दिखा इधर वैसे अच्छी लग रही है। और ये भैया कह रहे हैं मैंने रेट पूछा तो कह रहे ले जाओ, तो इनकी दुकान पे आओ और कपड़े ले जाओ, ये रेट नहीं बताएंगे। पर गुन्नू ये मेरे को लग रहा है चैन बननी होगी तेरे ऊपर, हो जाएगी। इधर दिखा, अच्छी लग रही है, सही है। गाइस बता दो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है। क्या पोड़ इसकी दिखा, क्या पोड़, वाओ भालू मस्त। एक साइज बढ़ा लूं ये पैंट की, टाइट लग रही है, तू जैकेटों के बीच में ढक गया, पीछे हो पीछे। तो ये हम देख रहे हैं अंशु के लिए, हट जा, पर पहना के देखा इन्हें। हाँ ले लो, सही है, क्योंकि जो भी ले रही हूँ मैं पापा के लिए भी और उनके लिए भी, तो इसे ही बना के देख रही हूँ इन्हें और पुन्नु को। चलो अपनी जैकेट लेके अकेले जा रहा है, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, अरे जा चला जा, जल्दी बैठ जा, गुटके वाला सिर फट गया, जल्दी बैठ। आई छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो सिमरन को, जाने दो। गाइस इनकी आदत है हकीना चाहे कहीं बाहर ले रुलाने की, आपको मेरी आईज दिख रही होंगी और गुन्नू की भी दिख रही होंगी, वो रोई नहीं है, वैसे रोई मैं ही हूँ। तो क्यों रोई, कोई क्या कमर का? हाँ बताऊँ तुमने क्या किया? क्या किया बता? इनकी इतनी गंदी आदत है ना बहुत ज्यादा, कि कहीं जाएंगे ना ठीक से रह ही नहीं सकते, एंड में रुलाना ही है। इनको इन्होंने जैकेट ली, इन्होंने बोला उसके पैसे तू देगी, ठीक है 1500 की जैकेट थी, इन्होंने 2100 रुपए ले लिए। मैंने कहा आपने 2100 क्यों लिए, तो मैं अब 500 वापस ले रही हूँ, मैंने 500 वापस दिए। इन्होंने 2100 लिए, मैंने कुछ नहीं कहा मेरे फोन पे से, मैंने इनके फोन में से 500 ले लिए, इन्होंने फोन वोन फेंक के सारे पैसे उल्टे कर दिए, कह रहे जा। ये कोई बात हुई? मतलब मैं नहीं दिल दुखा रही 2100 पे भी, इन्होंने 500 में ही दुखा लिया। अब खुद देख सकते हो कि कौन कितना मीन है। देखो पुनीत को गेट बजा रहे हैं। अब इधर देखो, बोलो ना इसमें, अरे की बोलूं मैं? ये गाइस पैसों को लेके सच में इतने मीन है, इतने मीन है। नहीं नहीं मैं आज ना मैं पूरी फैमिली को बिठा के इनकी भी और अपनी भी ये चीज ना क्लियर करवा सकती हूँ। मैं मतलब तेरी बात है, फैमिली को मैं मीन बता रही हूँ कि फैमिली को बिठा के मैं बताऊंगी कि कौन अच्छा ही है या मैं, किसका दिल साफ है पैसों को लेके, मेरा या इनका। मैं पैसा सेव करता हूँ। सेव नहीं करते? हाँ सेव करते हैं, मेरे से सेव करते हैं, मेरे से छुपाते हैं और खुद उड़ाते हैं। सेव इनको सारा पैसा मेरे से ही करना है, जैसे मैं इनका सारा पैसा खा जाऊंगी। तो ये बात मुझे इतनी बुरी लगी कि इन्होंने मतलब मैंने 500 लिए, इन्होंने 2100 लिए, मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने जब मैंने ले लिए तो तुझे उल्टे लेने ही नहीं। आपने जैसे ले लिया ऐसे ही मैंने भी 500 ले लिए, तो क्या हो गया? आपने 2100 लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने 500 ले लिया, आप बिचल गए, ये कोई मतलब हुआ? मैं बिचल गया। ये देखो 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 मीनपना देखो इस इंसान का, इसीलिए होती है हमारी लड़ाई हमेशा। और मैं कभी ना गाने चला रही, लोगों के गाने आएंगे, मत चला। और मैं गाइस कभी भी ना इनके लिए सोचती नहीं हूँ कि मैं कितने भी खर्च कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं किसी और के लिए फिर भी सोच लूँ कि मैं नहीं करूंगी, इनके लिए मैं कभी नहीं करती। और ये सबके लिए कर देंगे, बस मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते कभी। चला उल्टे तो मैंने तो फोन पे करूं, सब करते जल्दी। अब क्यों करूं? अब नहीं दे रही मैं अपना आप कर लूंगी, मैं लॉक ही बदल दूंगी आज। एक तो मेरे फोन पे में से ना कई बार पैसे चोरी हो जाते हैं, और मैं चेक करती हूँ उसमें जाके, तो मुझे वही मिलता है, प्रवीण कुमार के पास चले गए बहुत सारे, प्रवीण कुमार डैडा के पास चले गए सारे। और बताओ एक 500 रुपए के लिए इन्होंने मुझे इतना रुला दिया, और शॉपिंग देखो कितनी हुई है इनकी, ये देखो। और सारी मैंने कराई, और मुझे कोई दुख नहीं होता इन्हें शॉपिंग कराने में। और ये 500 रुपए के मारे मेरे को रुला दिया, और मैं रो रही हूँ, चुप भी नहीं करा रहे वो। तो जब मैं ऑटो से जाने लगी ना, तब आए मुझे पकड़ने। देख 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 गाइस, देखो देखो गाइस, देखो मेरे फोन पे वाला फोन ले लिया। देख रहे हो आप, मतलब मैं रो रही हूँ, अभी लड़ाई हो रही है पैसों को, तब भी पैसे लेने की पड़ रही है इन्हें। और ये पैसा ये वो है, इन्होंने अपने आप से एक जैकेट ले ली, इन्हें पसंद आई, मेरा वहाँ पे फोन पे नहीं चल रहा था, तो कह रहे हैं मैंने ले लिया उसके पैसे तू। मैंने कही कि मैं दुआऊंगी तो। हाँ मैंने आपको कहा कि चलो हम जैकेट लेके आते हैं, सेम लेंगे दोनों, पर मेरे लिए नहीं मिली। फिर मैंने कहा एक जैकेट आप ले लो, एक पुनीत, एक पापा, एक अंशु, एक गुन्नू। तो एक जैकेट गुन्नू ने ली, एक शर्ट ली इन्होंने, एक जैकेट ली, अब पुन्नू ने एक जैकेट ली, इन्होंने शॉर्ट्स लिए, और मैंने कुछ भी नहीं लिया किसी के लिए। और सबको बस सबके लिए लेने आई थी मैं, क्योंकि मेरे को पता है अभी मेरे को लेना वेस्ट है, मैं 2-3 महीने बाद ही लूंगी। तो भी ये ऐसे करते हैं मेरे साथ, आज मुझे इतना दुख हुआ है ना, और ये बात 500 वाली मैं कभी भूलूंगी नहीं।
और गाइज आप लोग इनकी बहुत साइड लेते हो, अगर आपको भी यहाँ पे किसी की भी गलती लगी हो ना तो कमेंट में प्लीज जरूर बताना। ये देखो आप, देखो आप, देखो क्या कर रहे हैं ये, मतलब आप देख रहे हो गाड़ी चलाते हुए, एक बार दिखाना क्या कर रहे हो। ये देखो ये फोन पे कर रहे हैं अभी, ये इतने गंदे हैं, ये मेरे फोन पे में से ऐसे पैसे निकालते हैं। और मैं पता होते हुए भी नहीं बोलती कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं सारे जोड़ती इनके लिए ही हूँ, इन पे ही खर्च होते हैं सारे। या तो अंशु गुन्नू खा लेते हैं कुछ, उनका ज्यादा खर्चा नहीं है, वो 100-200 खा पी के खुश है, इनके खर्चे इतने कि पूछो मत। और देखो मैं रोए जा रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कंटिन्यू फोन पे करे जाने में। कितने कर रहे हो? कितने करोगे? पर 1500 ही करोगे, अब तो 1500 ही होंगे। मैं देख लो, मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगी अपने आप को। देख लो गाइस अभी भी मतलब 500 रुपए इन्हें फालतू करने हैं। गाइस मैं क्या करूँ यार, कैसा बावलिया पति मेरे पल्ले पड़ गया। कोई नहीं भाई, गाइस मैं देख लूंगी, 2000 में कर ले। देखो हम आ गए थे शॉपिंग करके, और ये जा रहे हैं दोनों चीजें साली, और ये भैया की गन लेके आए हैं वीडियो बनाने के लिए, राज भैया की। और अब हम जा रहे हैं घर, बस घुसने वाले हैं। मैं देख रही हूँ मेरे को थैले पकड़ा रखे हैं इन्होंने, और खुद दोनों खाली हाथ उड़ रहे हैं। ओ पिल्लू, तो गाइस ये जैकेट है, ये मम्मी ने लिया, उन्होंने 1700 की बोली थी, 1500 की दिया है, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है। और ये शर्ट है, ये कितने की है? 600 की, ये मतलब 600 ही लगा लो, 600 की है, 650 की है वैसे, और बहुत अच्छी है। तो आपने स्टार्टिंग के व्लॉग में देख भी ली होगी, इन्होंने पहनी हुई है। तो इन्होंने ये तीनों दोनों चीज़ें लिया, और उसमें इनके शॉर्ट्स उन्होंने दिखाऊं। और ये जा रहे हैं, इसलिए पहले मैंने इनके सामान की दिखा दिया, बाकी का यहाँ पड़ा है। चुभ रहा है इसमें, क्या है चुभने लायक? हटियो गुन्नू, सामने से हटियो, क्या चुभ रहा है इसमें? और इसके ऊपर अगर अब देखो, इसे पापा की जैकेट पे इसकी निगाहें हैं, कुछ नहीं चुभ रहा है, ये बहुत सही लग रही है। गाइस हमारे घर में भी पेंट हुआ है, पीछे देख लो, देखो वो क्या बने हैं, ये ने अपने हाथ से बनाया और वो मैंने अपने हाथ नहीं, नहीं वो भैया ने बनाया। सच बोलो मैंने बनाया। ये जैकेट पापा की है, पर देख अच्छी लग रही है इसके ऊपर, माँ कसम बहुत बढ़िया लग रही है। गाइस आज नानू का बर्थडे है, और अब हम जा रहे हैं, कंधे पे हाथ रखो, कंधे पे। कोई बहन थोड़ी है, गाइस आज नानू का बर्थडे, नानू नानी को तैयार कर रही है। उधर हो, अब हम भाग रहे हैं। और क्या, ये पिल्लिया भी बैठे, मिलेंगे नहीं, क्यों हम कहाँ जा रहे हो? घर नहीं आए। अच्छा चलो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सम्राट सारे, नानी देखो आज, नानू पापा, नानी मम्मी, येरी पिल्ली, मेरा फोटो, ये क्या दिखाया, मेरा मुंह दिखा, फिर नानू को देखोगे तो मुंह ढक लिया, माफिया नानू माफिया। और पापा आ रहे हैं लॉक करके, हम सब जा रहे हैं। और मैंने पहना है अंशु का ये, गुन्नू का ये लोअर, और जैकेट मेरी है, हाँ कुछ तो मेरा है, क्योंकि यार आपने पहले व्लॉग में देख चुके हो, मैं नहीं दिलाती, मैं अपने नहीं लेती, क्योंकि मुझे इन्हीं के आ जाते हैं तो मैं इन्हीं के पहन लेती हूँ। और आजकल वैसे भी लड़कियों का फैशन है लड़कों कपड़े डालने का, तो मैं पहन लेती हूँ, पता तो चलते ही नहीं है इसलिए। तो चलो बाय बाय, हम पहुँचते हैं वहाँ पे, मैं भी करने लगी। तो हम पहुँच चुके हैं, हम ऑर्डर कर चुके हैं, टेबल देखो आप, पूरा सपाट है, कुछ नहीं आया। चुप, आज हम बहुत कम लोग हैं गाइस, हम खा लेंगे फिर इसको पेमेंट कर देना आप लोग। मैं इंस्टा पर लाइव आकर इस चैनल दिखाऊंगी जिसने पेमेंट करी। वो मेरा बेस्ट फैन होगा है। तो गाइस आप देख सकते हो पूरा टेबल खाली है, और आज हमारे बंदे कम है, मम्मी नहीं है, पुनीत नहीं है, मामी नहीं है, मामा नहीं है, लुनू नहीं है, बस मम्मा है, और हम छह बंदे, मैं भी हूँ। आज आधी कम लिया, आज आधे आधे बंदे कम है, आज भी कम आए, आज हमारे बेचारे चाचू भी नहीं आए। और ये चालू, सब चालू,
चल रहे हैं क्योंकि मैं सुपीरियर नहीं किसी को क्यों बोर कर रही हूं पुनीत देख ले देख लो पम्मी पुनीत तुम दोनों मेरे लगे पड़े हो एक मैं ही नहीं खा रही अभी तक डाइट क्योंकि डॉक्टर ने बोला है उससे अच्छा खाने के लिए और एग वगैरह ज़्यादा बोला है इसलिए मैंने मंगाया एग राइस विद ग्रेवी तो गाइस चाचू भी आ गए हैं गाइस चाचू इतनी लेट आए हैं हमने कुछ भी नहीं खाया अभी तक ये नई प्लेट है चाचू के लिए अब हम खाएंगे हमने ये दिखाना गाइस कितना खा चुके हैं कुछ भी नहीं खाया जा चुका है चाचू लेट आए वैसे इतनी प्लेटें जा चुकी है पहले अब आप सोचोगे चाचू लेट क्यों आए चाचू लेट इसलिए आया क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था हम लोग पहले आ गए फिर हमने मम्मी वो भी बोला था कि एकदम आ रहे हैं प्लेट में छह प्लेटों में इसलिए आपको गंदा दिख रहा है और लास्ट व्लॉग पे बहुत सारे कमेंट थे ये आपके कौन है ये मेरे चाचू है चाचू है चाचू है मतलब एक ही चाचू है मैंने तीन बार बोल दिया ठीक है और ये कहाँ रहते हैं मैंने बता दिया आप हमारे घर आ जाते हो इनके पहुँच जाओगे तो मैं रहने देती हूँ हमारे घर पे ही रहते हैं ये भी ये हमारे साथ ही रहते हैं 8-10 जने हमारे दिल में आज घर पे मैं यहाँ छुपे क्योंकि हम ना पिज्जा खाने जा रहे थे छुपके और गुन्नू आ गई हमारे पीछे पीछे अब वो ना कूद के आई है सोफे के ऊपर से और हम ना यहाँ छुप गए अंश पीछे हो जाओ ना पागल है क्या उसे दिखेगा तो तूने दिखाया ना उसे कंजर दिखी नहीं है तो कहीं से छुपे पड़े हैं चुप हो जाओ आसमान जोर जोर की नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ दिखा दे रही नहीं नहीं देख लेगी फोन पहचान लेगी मेरा गाइस बोलो मेरी मेरी गाइस वो देखो नीली जैकेट में हम गाड़ी के पीछे छुप गए और वो बोरी ऊपर करके दिखा दे देख लेगी ना अच्छा छुप रही पिज्जा नहीं खाते खेलते बड़ा मजा आ रहा है गाइस अभी ना हम इसका सामना करते हैं आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं पर रुक जाओ मजा आ रहा है उस गाड़ी के पीछे चलते वाली गाड़ी नहीं नहीं क्या है क्या है हम इतनी देर से गाड़ी के पीछे छुप के तुझे देख रहे थे गाइस रोने लग गए तुम पिज्जा काट दे मैं डोमिनोज से इसे पता था हम गए हम डोमिनोज ही जाएंगे और हम पता कहाँ थे हम यहाँ गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे हम इस गाड़ी के पीछे थे अच्छा मौसा जी ये भैया यूएस से आए हैं यूएस से आए हाँ अपने फैमिली के ये भैया पापा और वो आपकी मम्मा और हम ऑर्डर करने जा रहे हैं इनकी और आप ये मासी बेटी हो गए ना मैं नहीं समझ पाती ना रिश्ते भैया को बताने के लिए नहीं बता ये दोनों भाई नेहा अरे दिस माय डैड वो मंगती मासी और जीजू और ये समझी और ये तो अब हमारी साइड वाले टेबल से दोस्ती हो गई है तो वो इंट्रोड्यूस हो गए हमारे ब्लॉग में हम ब्लॉग बना रहे हैं खाने में लगा हुआ है नानी को नहीं भूलिए नानी के पास जा रहे हैं पहले भी नानी पास चलो गाइस केक कटिंग हो चुकी है अब हम लोग भी केक इसे देखो ओह माय गॉड और ये भी बना रहे हैं पीछे आपका हो गया कोई नहीं अभी तो पापा को पकड़ने हैं पापा को बोले ना हैप्पी बर्थडे तो पता नहीं अभी व्लॉग बना रही है सेम टू यू सेम टू यू देखो गाइस बोल भी कौन रही है जैकेट ये जो गुन्नू है इसने भी मेरा स्वेटर पहना है और इसने भी मेरा स्वेटर पहना है अरे आपसे नहीं लगेगी आपको नहीं पता ना कैसे लगाते हैं मेरा फोन दे दो मैं दे रहा हूँ भाई ये देखो
हमारे पापा इतने बड़े हो गए उनसे एक चैन नहीं लगाई जा रही। दीदी देखो दो मिनट ऐसे ही पहले ना चैन चैन की तो पोड़ ले। चाचू आप कर दे ना। भालू लग रही है गुन्नू पूरी भालू। ठंड लग रही है यार। सो गाइस ये क्या बैक कैमरा लगा पड़ा है। अब हम जा रहे हैं घर। नानी ये रहे बाकी के सदस्य। चलो चलते हैं घर। पता नहीं मुझे ये बैक कैमरा लगा हुआ है मैं दिख रही हूँ कि नहीं। कौन हो तुम सब? मम्मी 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 के फैन हो जितने सारे। भाई भाई का टोला चैनल में सब्सक्राइब करो और क्या करना भाई लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो। रोम रोम जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की। हम जा रहे हैं घर। डन हो चुका है डिनर और हमने सोचा हम 10:30 तक घर पहुंच जाएंगे पर अभी हो गया 11:30-12 बजने वाले हैं। हाँ जी बट आज हमने कुछ मिस किया पम्मी। हमने बेटा तेरे को बहुत मिस किया ठीक है और मतलब मजा आया हमें व्लॉग बनाने में डिनर करने में सब लेकिन तेरे बिना थोड़ा सा मजा अधूरा था। आज पम्मी मम्मी ने तुम्हें मिस करा है इसका मतलब मम्मी तुमसे प्यार करने लगी। और मैंने पुनीत को नन्नू को स्पेशली बहुत मिस किया। सबसे ज्यादा पम्मी को किया पर मम्मी से ज्यादा। हाँ पम्मी और नन्नू को ज्यादा मिस किया हमने। पुनीत बुरा मान जाएगा। अरे भाई सब बुरा ना सबके बिना अधूरा था लेकिन अगर मोमोज खिलाना ही नहीं थे तो सीधा साफ इनकार कर देता। फोन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी तेरे को। बिचारी बहन ने कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है हम जा रहे हैं। वी मिस यू पम्मी पुन्नू नुन्नू नुन्नू बहुत सारा मिस यू बच्चा जल्दी से आ जा। नहीं नुनू बाबू तेरी तो मेरे को बहुत ज्यादा याद आ रही। तू जल्दी से आ जा शादी में से। नुनू नुनू गया हुआ है पंजाब अमृतसर मामी की फैमिली में शादी है किसी की तो वो वहाँ पे गया हुआ है तो हमें बहुत याद आ रही है। आज बचा लिया खर्चा। उनकी सालगिरह थी और नानू का बर्थडे था बट वही है मेन मेन बंदे सारे ही नहीं थे। पुनीत नहीं था। पुनीत मेरे लिए बहुत मेन है। पम्मी सबके लिए मेन है और पुनीत भी सबके लिए मेन है पर मेरे लिए ज्यादा है। पम्मी मेरे लिए मेन है और सबसे ज्यादा सबका मेन बंदा नुनू नहीं था तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा हमें कुछ नए दोस्त मिले थे। हाँ नए लोग मिल गए थे तो थोड़ा सा हो गया था मूड फ्रेश क्योंकि हम 6-7 बन रही थे तो मजा नहीं आया। और सबसे ज्यादा तो पुनीत पुनीत की पागलों वाली हरकतें। आंटी ये प्लेट लग रही है। आंटी देखो ये पानी पानी सा लग रहा है तो ये हरकतें मिस की। और पम्मी कुछ लोग मिले थे तो हम चाहते थे व्लॉग देखने के बाद ये ना कहे चलो हम आ गए ना अब तुम चलो सफर तुम फिर से खर्चा करो हम फिर चल रहे हैं। और अगर पम्मी होते तो जो आज लोग मिले थे पम्मी उन्हें हंसा के पागल कर देते थे। और नुन्नू नुन्नू के तो क्या ही कह रहे हैं आप सबको पता है नुन्नू आप सबको अच्छा लगता है। सो मिस यू नुन्नू बाबू जल्दी आ जा। अगर मामी आप व्लॉग देख रहे हो तो नुन्नू को प्लीज दिखाना। चलो गाइस बाय बाय।